आपने आपने बीजेपी फेस नहीं करना चाहते, आपने आधा घंटा अगर मेरा संबोधन सुना तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब असेंबली पोल्स, असेंबली पोल्स की बात हो रही है, डॉक्टर साहब असेंबली पोल्स की बात हो रही है। एक नया चैप्टर, नया अध्याय जम्मू कश्मीर प्रारंभ हुआ और मुझे विश्वास है कि न केवल कम्युनिकेशन और मीडिया के क्षेत्र में बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी एक नया अध्याय ये साबित होगा। जिस प्रकार से कभी कभी लगता है कि अनेकों ऐसे कार्य पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं जो शायद उन लोगों तक या समाज के उन वर्गों तक पर्याप्त रूप तक नहीं पहुंचे जो उनके लाभार्थी हो सकते हैं, उनको पहुंचाने का कार्य इन्होंने अपने जिम्मे लिया। मुझे विश्वास है कि अनेकों ऐसे योजनाएँ, ऐसी कार्यक्रम जो जनहित के होने के साथ साथ समाज में आर्थिक बदलाव लाने का काम करते हैं, सामाजिक बदलाव लाने का कार्य करते हैं, वो उन लोगों तक पहुँचेंगे जिनके लिए वो निर्धारित किए गए। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों को लेकर, और इसी तरह से इस क्षेत्र का जहाँ तक संबंध है स्टार्टअप्स को लेकर के कई नई पहल की गई है। उदाहरण के तौर पर लेवेंडर कल्टीवेशन, लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप, अरोमा मिशन जिसका जन्म इसी प्रदेश से हुआ, उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य, ताकि जो उससे लाभ उठा सकते हैं उनको उसकी जानकारी प्राप्त हो। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे इस नई पहल के माध्यम से मीडिया के बाकी जो अंग हैं उनको भी एक उदाहरण के तौर पर इनका अनुसरण करने का अवसर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल, मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त IIIM में हूँ और आप सबको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर चैप्टर की लॉन्चिंग आज होगी, जहाँ पे मिनिस्ट्री की जानिब से डॉक्टर जतिंदर सिंह सर आ रहे हैं। और साथ में आपको बताने की कोशिश करूँगा हमारे साथ इस वक्त PRSI के नेशनल प्रेजिडेंट डॉक्टर अजीत पाठक सर हैं, इनसे आप तक पूरी जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे चैनल में, साथ में जम्मू और कश्मीर की धरती पर। सर आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, PRSI के रिलेटेड आप थोड़ा सा पूरी जानकारी आप बताइए कि ये कब जो है हिंदुस्तान के अंदर वजूद में आई और उसके बाद इसने किस किस तरीके के काम किए। आपको जान के खुशी होगी, आप एक गौरव का अनुभव करेंगे कि जम्मू में आज पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का सबसे नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। पिछले 65 वर्षों से पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया देश में जनसंपर्क और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। विगत वर्षों में हम राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए कई मसलों पर हमने काम किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन को शोकेस करने का हमने काम किया है। जो नई शिक्षा नीति आई उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने काम किया। जो अवेयरनेस के मुद्दे हैं, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे आतंकवाद का हो, हमने सभी पर काम किया है ताकि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो सामने आए। हम जिस मकसद को लेकर काम करते हैं, एक राष्ट्र एक प्राण एक स्वर, यानी समरूपता हो देश में ताकि विकास हम सम्मिलित प्रयासों के साथ कर सकें। जम्मू का चैप्टर आज जो शुरू होने जा रहा है, मेरा एक जैसे सपना साकार हो रहा है। और यहाँ की जो टीम है, अनिल जी हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, अर्चना जी उसकी सेक्रेटरी हैं, पूरी की पूरी टीम इतने कमिटेड लोग हैं जो मैंने पहले कहीं ऐसा उत्साह नहीं देखा जितना। और आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी है कि हमने नेशनल काउंसिल की मीटिंग भी इसके साथ की है, जो पहली बार ऐसा अवसर है कि कोई चैप्टर शुरू हो और वहाँ पे पूरी नेशनल काउंसिल मौजूद हो। तो ये आप सबके लिए खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। सर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पॉलिसीज़ पे काम करेगी और पॉजिटिव वे में लोगों तक पहुँचाएगी और पब्लिक और गवर्नमेंट के रिलेशन को कामयाब बनाएगी। देखिए, सरकार और जनता के बीच एक सेतु यानी ब्रिज का काम करती है पब्लिक रिलेशंस। वो सेतु सत्यता पे आधारित होता है, उसमें कोई
नाटक आडंबर नहीं होता, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं जिनसे जनता का हित होना है, देश का हित होना है, उनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पे काम करेंगे, उनको जनता तक ले जाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे बाकी के सारे चैप्टर भी इसी लाइन पे काम करते हैं और यहाँ क्योंकि जो ग्रुप निकल के आया है उसमें सभी लोग शामिल हैं, गवर्नमेंट मीडिया के लोग हैं, दूरदर्शन के हैं, आकाशवाणी के हैं और एकेडमिक्स हैं। एकेडमिक्स और मीडिया का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके शहर में आपकी पीआरएसआई जम्मू चैप्टर में होने जा रहा है। मैं आपसे ये जानकारी भी लेने की कोशिश करूंगा जो पीआरएसआई है इसने, क्योंकि आप इसके पूरे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आपको इसकी पूरी नीतियों के हवाले से इसके रिजल्ट्स के बारे में मालूम होगा, किस तरीके से कितने अरसे से इसने जो है लोगों के साथ, आप जैसे कि 1958 से तो ये लॉन्च हो गई, उसके बाद इस तरीके से जो पूरे सोसाइटी के अंदर काम किया गया, कितना आपको लगता है कि इसकी अहमियत जो है इंडिया के अंदर ग्रोथ के रिलेटेड और डेवलपमेंट के रिलेटेड और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा है? देखिए, आज पूरे विश्व में भारत का जो सम्मान है हर एक आदमी गर्व महसूस करता है, जो नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर ने देश को दिया और जो कुछ हमारे यूथ पावर इंडिया की है, जो आईटी नॉलेज है, वो सभी चीज़ें मिल करके देश को एक अगले चरण पर ले जा रही हैं। लेकिन उस संदर्भ को अगले चरण पर ले जाने के लिए कि जहाँ पूरी दुनिया भारत का गौरव माने और उसका वो सम्मान जिसके भारत हकदार है वो मिले, उसके लिए भारत की छवि के लिए पूरे जनसंपर्क को काम करना होगा। जो उपलब्धियां हैं देश की, जो कार्यक्रम हैं और जो आने वाले समय के लिए आमंत्रण है विदेशी कंपनियों को भारत में, वो हम उन कंपनियों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भारत में आए। और जो हमारे युवा हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इस युवा देश को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नई चीज़ें जानने को मिलें, ये पूरे देश के लिए लाभकारी है। और स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से इसके मेरिट्स और काफ़ी फ़ायदे भी हैं, लेकिन सब लोगों के जहन यकसां तो नहीं हो सकते। काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे शायद कि गवर्नमेंट लोगों के सामने अपनी पॉलिसीज़ को पॉजिटिव वे में ही दिखाना चाहती है और मीडिया को भी अपने साथ कोलैबोरेट कराना चाहती है। काफ़ी सारे मीडिया के चैनल्स को, अब वो आपको भी टर्म पता है कि गोदी मीडिया के नाम से भी जो है लोगों के सामने लाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पीआरएसआई के रिलेटेड लोगों के तई आप क्या मैसेज देंगे कि उनके जहन से पहले तो ये कंसेप्ट ख़त्म हो जाए कि ये उस चीज़ के लिए नहीं है जो कुछ लोग सोचते हैं? नहीं, अब सीधी सीधी बात मैं आपको कहूँ, हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल बॉडी है जो जनसंपर्क के विकास के लिए काम करती है। जनसंपर्क के विकास के साथ साथ काम करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि देश के जो मुद्दे हैं हमें उस पर भी काम करना है। हमें न किसी पार्टी से कोई सरोकार है, न किसी व्यक्ति से सरोकार है, लेकिन जो राष्ट्रीयता के मुद्दे हैं उनसे सरोकार है। कोई भी चीज़ जो देश को कमज़ोर करती है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, जो देश को मजबूत कर सकती है हम उसके लिए काम करते हैं। तो जो भी भ्रांति हो किसी के भी दिमाग में वो निकाल दें, जो चीज़ राष्ट्रीयता की है जनसंपर्क उसके साथ है, पीआरएसआई उसके साथ है। अब सर, मीडिया और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का आपस में जो कोलैबोरेशन चैप्टर में यहाँ पे हो रहा है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि जर्नलिज्म को भी तावुन मिलेगा पीआरएसआई से और पीआरएसआई को भी जर्नलिज्म से? ये तो मैं आपको कहूँगा कि एक माँ के दो बेटे हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जब समाचार चाहिए होता है तो जनसंपर्क वाले मीडिया को देते हैं, और मीडिया को जब अपनी बात कहनी पड़ती है, छपवानी पड़ती है, तो उसके लिए मीडिया के पास जाते हैं। एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, उसमें कई बार जो आपके बेसिक सोच है वो पत्रकार की अलग होती है, जो जनसंपर्क का आदमी है वो अपने संगठन के लिए काम करता है तो उसको उसकी छवि को बचाना है। पत्रकार का दायित्व है कि सत्यता लोगों तक आए। दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है और दोनों के मित्रवत संबंध जनसंपर्क को भी लाभ देंगे और पत्रकारिता को भी लाभ देंगे। और आपने कई जगह देखा होगा, दिल्ली में तो बहुत ऐसा है, बॉम्बे में भी ऐसा है कि कई पत्रकार अपने सेकेंड इनिंग्स में पब्लिक रिलेशंस में आ जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो समाचार बनाना जानते हैं,
अच्छी तरह, और उनकी नेटवर्किंग होती है। आप पत्रकार के नाते दूसरे मित्र के पास जाते हैं, मेरी ये खबर छपनी है, और अधिकार से उसको छपवा पाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले सालों में कुछ ऐसा चलन है कि लोग पब्लिक रिलेशंस में आ जाते हैं अपनी सेकेंड इनिंग में जर्नलिज्म छोड़ के। तो दोनों ही बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भार आपका, और जनसंपर्क की जो सकारात्मकता है उसको पूरे जम्मू तक पहुँचवाएं, आपका बहुत बहुत आभार। PRSI लॉन्चिंग के हवाले से जो पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम संभाला गया, काफ़ी सारे जम्मू के यहाँ के हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने, लेकिन उसमें हमारी राविया गुप्ता मैम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मीडिया स्टडी जम्मू यूनिवर्सिटी से हैं, और स्पेशली इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट के हवाले से। तो आज फाइनली जो है ये प्रोग्राम होने जा रहे, लॉन्च होने जा रहे हैं पूरा PRSI का यहाँ पे चैप्टर। मैम सबसे पहले स्वागत है आपको चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर विद दिस चैप्टर। And as far as organizing this huge event is concerned, definitely a lot of efforts were put, not just by me but the entire team. And I am glad that we are having this, for the first time we are having PRSI J&K chapter. So definitely excitement is there. And since it's a sister concern of journalism, which was a lacuna here, so we thought of unification as a theme, wherein we are trying to unify people from Jammu and Kashmir both. We are trying to unify people from various streams of journalism, which includes print, which includes electronic, which includes digital. So we're trying to bring all the forum of media together on this forum, so that this lacuna which was there can be covered in upcoming years. It will take some time for us to grow, but the foundation is very strong. The people who are heading us and guiding us are also having a lot of experience in this field, so we are in a very we are in safe hands, and we are having a safe future. And if we work together, this field is going to grow further, and definitely it will bring a lot of job opportunities as well for the youth. So I'm looking forward to work more dedicatedly, definitely, for the J&K chapter, which is going to unify media, especially in Jammu, in so many which ways. So thank you so much. Ma'am, I want to ask you a question about the students. Like, you are from Jammu University, and if this chapter is finally launched here, and the students who want to join with them, how they can join and what will be the benefits to join with them? Yes, definitely a very good question. Although since we have different wings, you can say, so we have a student wing also of PRSI, wherein a student can join as members, and this is a national body which has publications, and they have their conferences. So those students who would want to take up research, they will get a platform to present their papers, they will get a platform to even do in-depth studies and case studies for advertising and PR, and they can invest a lot of research time and present their papers. So academically, this is one aspect, and of course second aspect is networking. So they'll get to network with people from Pan India. So they are going to expand their reach for their research also through this platform. Thank you, ma'am. Thank you so much. तो जम्मू यूनिवर्सिटी से भी हमारे साथ प्रोफेसर जुड़े हैं। सर, आप जो PRSI आज यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है, इसके रिलेटेड थोड़ा सा आप भी बताइए कि ये जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और वहाँ के जो स्टाफ है या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कितना अहम रोल निभाएगा आप जम्मू कश्मीर के अंदर? एक्चुअली ये पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, ये जम्मू चैप्टर लॉन्च करने जा रहे हैं, और हम एक ऐसी संस्था से आते हैं जिसका नाम विज्ञान परिषद है, और विज्ञान परिषद का जो कार्य है वो भी पब्लिक रिलेशन के थ्रू ही होता है, जिसमें ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में डिफरेंट क्लासेस के बच्चों को स्टेट में प्रमोट करते हैं, ताकि उनके आइडियाज़ जो हैं, जो साइंस के रिलेटेड, विज्ञान के रिलेटेड जो हैं, उनको प्रमोट किया जाए और उनको नेशनल लेवल पे शोकेस किया जाए। इसीलिए आज ये प्रोग्राम जो है PRSI सोसाइटी का और विज्ञान भारती के सौजन्य से ये किया जा रहा है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस माध्यम से, पब्लिक रिलेशन एक ऐसा अहम यू नो माध्यम है जिसके जरिए समाज को रीति कुरीतियों का सब पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो ये मंच जो है इसको बहुत समृद्ध करने की ज़रूरत है ताकि एक ऑडियंस के साथ, एक कॉमन मैन के साथ जो है वो लायजन जो है वो कायम हो।